हवाले से ये 20 मेंबराने पंजाब असेंबली पर मुश्तमिल ये ग्रुप बनाया गया है। जराए का ये भी कहना है कि वज़ीर आला पंजाब इस ग्रुप के पीछे हैं, क्योंकि इस ग्रुप का बेसिक मकसद वज़ीर आला को बाख्तियार बनाना है। आज इनकी मीटिंग शेड्यूल थी, मगर वज़ीर आला लाहौर में मौजूद होने की वजह से असेंबली इजलास में नहीं आए और ये मीटिंग नहीं हो सकी थी। इन अरकान के साथ साथ दीगर अरकान भी इस तरफ आ रहे हैं। जहाँ तक बात है इन हाउस तब्दीली के हवाले से, तो इसमें बिल्कुल जोर लग रहा है, मगर ये बात आपको मालूम है कि मुस्लिम लीग काफ जो है वो बाकायदा प्रॉपर अलाई है। मुस्लिम लीग काफ के पास पंजाब में ना सिर्फ मिनिस्ट्रीज हैं बल्कि स्पीकर भी उनका है। अहम और बड़ी खबर से आपको आगाह करें कि 2019 में करप्शन से मुतालिक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जारी कर दी गई। 2018 की नस्बत 2019 के दौरान पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक 2018 की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर 33 था, 2019 में ये 32 हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक मौजूदा चेयरमैन जावेद इकबाल की जेर क्यादत नैब की कारकर्दगी बेहतर रही। नैब पाकिस्तान ने बदनवान अनासर से 153 अरब रुपए निकलवाए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के 180 रैंक्स में पाकिस्तान का रैंक 120 है। 2019 में ज्यादातर ममालिक की करप्शन कम करने में कारकर्दगी बेहतर नहीं रही। 2019 में पहला नंबर हासिल करने वाले डेनमार्क का स्कोर भी 1 पॉइंट कम होकर 87 रहा। G7 के तरक्की याफ्ता ममालिक भी इस्तेदादे बदउनवानी की कोशिशों में फंसे हुए हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का कहना है कि अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और कैनेडा का इस्तेदादे बदउनवानी का स्कोर भी कम रहा है। अमरीका का स्कोर 2, बरतानिया, फ्रांस का 4 और कैनेडा का इस्तेदादे बदउनवानी का स्कोर 4 दर्जे कम रहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दुनिया के 180 ममालिक में करप्शन से मुतालिक साल 2019 की रिपोर्ट जारी कर दी। सब रेडी है प्लीज जी। मैं T20 कैप्टन बाबर हमारे साथ हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़े सब शेयर करें व्यूज, फिर हम आप क्वेश्चंस आपके लेते हैं। बाबर अस्सलाम वालेकुम जी सबको। जी बिल्कुल, पहली बात तो ये कि बांग्लादेश टीम आई है और वेलकम कर रहे हैं उनको, और काफ़ी अच्छी साइड है उनकी भी, सीनियर जूनियर्स काफ़ी कम्बिनेशन अच्छा है, और हमारे भी दूसरा यंगस्टर आए हैं, हारिस को हारिस आया, शहीन कम बैक आया, तो काफ़ी अच्छा कम्बिनेशन है, तो आपको अच्छा अच्छा कॉम्बिनेशन नज़र आएगा देखने को। जी बिल्कुल, कैप्टन अपने मुल्क में फर्स्ट टाइम कप्तानी कर रहा हूँ और काफ़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, और मैं जब मैं कप्तान बना था तब भी मैंने ये बात जिक्र की थी कि मैं जब वहाँ से गुजरा था, वहाँ से जब यहाँ पे आ रहा था तो कुछ 10 साल 15 साल पहले मैं यहाँ पे बॉल पिकर आया था, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए कि मैं एज अ कप्तान ही आपके सामने बैठा हूँ और कप्तानी करूँगा, तो मेरे लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट है। ओके, हम क्वेश्चंस प्लीज लेंगे। बाबर दो इधर राइट पे है। बाबर 2 साल से पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड नंबर 1 है, इस सीरीज में जो नंबर 1 रैंकिंग है वो स्टेट पर है, तो कितना ज़रूरी होगा कि उस नंबर 1 रैंकिंग को बचाएं और क्लीन स्वीप करें। जी बिल्कुल, यही फोकस है हमारा कि इसका नंबर 1 जो हमारा रैंकिंग है उसको कंटिन्यू करें, और वो इसीलिए कि हमें वो तभी होगी जब हम मैच जीतेंगे। हमारा यही एम है कि हम ये जो मैचेज है, ये सीरीज है, इसको जीतें और स्टिल नंबर 1 रहे। बाबर, बांग्लादेश टीम जो है वो BPL खेल कर आ रही है और आप लोगों ने भी 6 रोज़ा तरबती कैंप में शिरकत किया, प्रैक्टिस मैचेस भी खेले हैं, आप लोगों की कितनी तैयारी है? जी बहुत अच्छी तैयारी है, जैसे आपने जिक्र किया कि 6 दिन का कैंप था, लेकिन उसमें हमने 4 मैचेस खेले हैं, पूरी प्रॉपर हमने मैच प्रैक्टिस किया है,